कदम भी ना करेगा अपने प्यार में। सब रो क्यों रहे हैं? मेरे घर में इतनी भीड़ क्यों है? माँ भी रो रही है। दादी, आप पापा की तस्वीर के साथ क्यों रो रही हो? ये वो सवाल हैं जो शायद 7 महीने के उस मासूम के मन में उठ रहे होंगे। उसने अभी ठीक से बोलना भी शुरू नहीं किया था। वो तो शायद अभी पिता की शक्ल को पहचानता भी नहीं होगा। उसे खुद नहीं पता कि बड़ा होकर वो जिनका गुरूर बनने चला था, वो इस देश की रक्षा में शहीद हो चुके हैं। श्रीनगर के पास माच्छल सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी का जवाब देते हुए गुरदासपुर के एक और जवान राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। राजेंद्र सिंह 4 साल पहले ही राष्ट्रीय राइफल में भर्ती हुए थे और श्रीनगर में उनकी तैनाती थी। शादी के बाद राजेंद्र केवल 2 बार ही छुट्टी पर घर आए थे। करीब 3 दिन पहले ही राजेंद्र ने अपनी माँ को फोन करके कहा था कि अब वो 3 दिनों तक बात नहीं कर पाएंगे। सानू तो अपना बच्चा चाहिए और सानू कुछ नहीं चाहिए, सानू तो अपने परिवार की लोड़ सी, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ ਨਰਵਾ ਘੱਟ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ, ਚੁਆਉਂਦਾ, ਚੱਟਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਪਿਓ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਗਏ ਹੋਏ ਥੇ, ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਤਭੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 57 ਸੈਕਟਰ ਗਏ, ਆਰ ਆਰ, ਹਾਂ 57 ਆਰ ਆਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 25-26 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ 2.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਜੇ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। गांव के सरपंच अवतार सिंह ने बताया कि जब शहीद राजेंद्र सिंह घर पर छुट्टी में आए थे तो उन्होंने बताया था कि वो अपने बेटे को आर्मी में भर्ती करवाना चाहते हैं। राजेंद्र सिंह का बचपन से ही फौज में भर्ती होने का सपना था, इसीलिए वो अपने बेटे को भी फौज में ही भेजना चाहते थे। सानू बड़ा माण है उसकी शहादत पे कि वो देश दे नाम ते उन्हें शहादत प्राप्त की है। बड़ा वधिया परिवार सी, ये साडे चाचा जी सरदार सुरिंदर सिंह ने बहुत वधिया मेहनती परिवार है, बहुत वधिया नेचर सी, बड़ा खुंदड़े सी, बड़ा सैक्रीफाइस दिसदा सी कि वो देश वास्ते कुछ ना कुछ करेगा। वहीं शहीद राजेंद्र सिंह के ससुर का कहना है कि सरकारों को अपनी कुर्सी से मतलब है, जवान यूं ही शहीद होते रहेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही सरकारों का कोई समझौता नहीं है। आर्मी वालों फोन इन्होंने आ गए दुकान पर, दुकान पर मुंडा गया तो फिर इन्हें फोन करता ही नहीं आ गया, उस कहने भी चल हूँ कमा तो होर कोई नहीं, यही कुड़ी है, नौकरी मिल जाए तो सारे बेहतर गल होगी, अपनी कमाएगी तो बच्चे पालेगी। शहीद राजेंद्र सिंह की शहादत पर पूरे गांव को मान है, लेकिन साथ ही अपने बेटे को खोने का गम भी है। परिजनों का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, देश की बात करें तो शहादत पर गर्व है, लेकिन परिवार की तरफ देखें तो राजेंद्र के मासूम बच्चे, बीवी, माँ बाप और भाई का ख्याल अब कौन रखेगा। न्यूज डेस्क।